ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो हम इतने सारे जो स्पॉन्सर्स हैं ये स्पेशली कम्युनिटी को हेल्प कर हेल्थ या एजुकेशन के फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं ईयर ऑन ईयर. जैसे लास्ट ईयर हमने एक डायलिसिस किया, लीग के बारे में इस साल हमने जो नया ऐड किया है सपोर्टर्स है, एक हम छोटी मैच रखते थे नाउ प्रॉपर ऑक्शन के साथ एंड इन मेंस हम लोग 260 कंसोल्ड हो गए आइदर फॉर लिमिटेशन ऑफ द स्किल्स उनको एक ये कॉन्फिडेंस मिलेगी दे विल प्ले. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप कुछ उसमें से पूछना चाहते हैं. हमें बहुत अच्छा लगा कि स्पोर्ट्स जसं आमचं भावाने सांगितलं लहान मुलांचं जे ज्युनियर आपण म्हणतो अंडर 14 कारण जेंट्समध्ये एक एज नमस्ते, मैं SPL सीज़न 5 की एक टीम ओनर हूँ. मेरी टीम का नाम है गंगा वॉरियर्स. ये पहली बार है SPL सीज़न में कि वुमेन टीम्स आगे आके खेलने वाली हैं. ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम वुमेन्स को चांस दिया जा रहा है कि हम आगे आके अपना टैलेंट शोकेस करें. तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है. इस बार वुमेन्स टीम लीड करेगी. आई गेस लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा वुमेन टीम्स के पीछे रहेगा मोर देन द मेन्स टीम. तो द मेन्स टीम की जो कम्युनिटी है उन्होंने 4 साल से बहुत अच्छा काम किया है. अभी इस बार वो लोग वुमेन्स टीम को लाके और अच्छा काम कर रहे हैं. तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. हम लोग बहुत एक्साइटेड है. हम लोग हमारा 100% देंगे एंड होपफुली वी आर गोना विन. वी आर गोना रॉक ऑन द स्टेज. वी आर ऑल गोना प्ले इन अ वेरी गुड स्पिरिट एंड वील हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम. थैंक यू सो मच. सो बेसिकली अभी जो सिंधी प्रीमियर लीग है हमारा 5th सीज़न है. इन द 5th ईयर हम लोग 261 मेंस प्लेयर्स के लिए ऑक्शन करेंगे. ऑक्शन वर्चुअल मनी से होता है, कोई पैसा नहीं होता है. जस्ट फॉर द गेम हम उसको 261 प्लेयर्स को 16 टीम में डिवाइड करेंगे. 192 लोग सोल्ड होंगे और बाकी अनसोल्ड होंगे. इस साल हमने ऐड किया है वुमेंस SPL जिसमें 72 वुमेन ऐड हो गए हैं. 6 वुमेन टीम्स ऐड हो गई है जो इस साल ऑक्शन ऑलरेडी उनका हो चुका है फॉर द फर्स्ट टाइम. फॉर वुमेन्स हम लोगों ने स्पेशली अनसोल्ड कोई नहीं रखा है बिकॉज फर्स्ट ईयर है. वी वॉन्ट टू गिव देम मोर प्रेफरेंस कि उनको ऐसे झिझक ना हो तो आगे आ पाए हर साल. और जैसे सिंधी प्रीमियर लीग का मेन उद्देश्य रहा है ऑल द स्पॉन्सर्स जो भी हमको कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस जो पैसे से हम लीग करेंगे उस लीग में से जो हमारी सेविंग होगी वो हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग डोनेशंस करेंगे. इस साल हम 10 लाख रुपए की डोनेशन करेंगे. लास्ट ईयर हमने 7,21,000 डायलिसिस मशीन में कंट्रीब्यूट किया था. ऑन द ओपनिंग डे हम अनाउंस करेंगे डोनेशन हम किसको कर रहे हैं और किस रास्ते से कर रहे हैं. इनफैक्ट ये हमारा सौभाग्य है कि हमको वो करने मिल रहा है. उसके अलावा फीमेल्स टीम का एक नया चीज़ हमने जो रखा है, फीमेल्स टीम के सारे नाम जो हैं वो इस अमेजिंग कंट्री के 6 नदियों के ऊपर हैं. गंगा, यमुना, गोदावरी, झेलम, सिंधु एंड आई थिंक अमेजिंग वन. मेंस का जैसे आपको पता है सारा सिंधी सभ्यता के ऊपर हम नाम रखते हैं. अलग अलग सिंधी सभ्यता से जुड़े हुए जो नाम हैं झूलेलाल, आर्यंस, सो इस एंड ऑल द प्लेयर्स जो हमसे जुड़ते हैं वो इतने अच्छी तरह से दिल से जुड़ते हैं कि आई थिंक उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती. उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि सब दोस्तों से मिलें, खेलें और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करें. सो आपका हमेशा साथ रहता रहे, आपकी वजह से हम लोग हर जगह पहुंच पा रहे हैं. माय नेम इज़ हितेश ददलानी, आई एम अ पार्ट ऑफ द SPL कमेटी. थैंक यू. बेसिकली मैं कंवल खियानी SPL कमेटी का एक मेम्बर हूँ और इस साल जी लीग है जो उसमें एक सामाजिक जो हमने सोचा है कि सब सिंधियों का साथ में आना, क्योंकि अभी आप देखेंगे हमारे जो 16 टीम्स हैं उनके नाम भी जो हैं वो सिंधी समाज से रिलेटेड हैं. तो बच्चों को जो आएंगे अभी आगे जैसे पीढ़ी पर पीढ़ी, जिस साल इस साल जो यंगेस्ट प्लेयर है वो 14 साल का है तो उसे पता चलेगा कि हमारे जो नाम है ये सिंधी समाज से कैसे जुड़े हुए हैं. जैसे मोहनजोदारो वॉरियर्स है तो मोहनजोदारो से हमारे सिंधी का क्या संबंध है. हमारे झूलेलाल सुपर किंग्स एक टीम का नाम है तो झूलेलाल भगवान है हमारे, इष्ट देवता देवता है हमारे. तो उनको बच्चों को ये समाज की हमारी भाषा अभी नहीं भूलेंगे. जैसे दिन ब दिन हम देख रहे हैं घर में भी इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, हिंदी का प्रयोग तो अच्छी बातें होना ही चाहिए लेकिन साथ ब साथ हमारे सिंधी भाषा का भी प्रयोग उनको आना चाहिए. समाज के प्रति उनका जो भेदभाव होगा वो अच्छा होना चाहिए. इसीलिए उनको सिंधी को सब साथ में ला के और अच्छा कार्य करने का हमारा प्रयत्न है. याद है ना, मिला था कि
लाइफ में आप आगे बढ़े और सक्सेसफुल बने, इसके लिए पर्सनली मिलके आपका डिटेल्स मुझे जानना है, बिकॉज यहाँ पे मैं सभी से पर्सनली बात डिटेल्स बात करेंगे। मगर दोस्तों अब आने वाला टाइम पे क्या क्या यहाँ पे आपको सीखने वाले लंच के बाद वो हम पहले देखेंगे, उसके बाद विच क्वालिटी ट्रेनर टू हैव 6-7 से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कैसे लाइफ में आप ग्रो करेंगे उसका बहुत ही पावरफुल मेडिसिन लेंगे एंड करेंगे। मगर दोस्तों मुझे बताने में बहुत खुशी हो रहा है, ब्रेक से पहले आपको अभी 40 मिनट का ब्रेक होगा कितना हमसे मिलने के लिए, तो हम 2 मिनट का यहाँ पे कुछ बात करेंगे, उसके बाद ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद आपको 40 मिनट में .4 बजे वापस आना है और फिर से गेट ओपन होगा 4 बजे गेट ओपन होगा मेरे ख्याल से, उससे पहले 232 नंबर इज 232 आपको एक मेरे तरफ से गिफ्ट मिलेगा जाने से पहले, थैंक यू वेरी मच। सभी टीम को जितने भी लोग बैठे सभी को 50,000 का वाउचर मिल जाए, 50,000 का वाउचर पास हिंदी में यस। ये आज का ट्रेन द ट्रेनर का प्रोग्राम था जिसके अंदर कोई भी इंसान कोई भी प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में कैसे बेस्ट करना है हम वो सिखाते हैं लोगों को। यस, ट्रेन द ट्रेनर का प्रोग्राम में लाइफ में किस तरह का स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़े, क्या क्या ऐसा रूट है जिस रूट के अंदर काम करेंगे तो इंसान आगे बढ़ सकते हैं उसके ऊपर हम डिटेल्स में बताते हैं। ये पूरा दिन का प्रोग्राम होता है 9 to 6 जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं लाइफ में कैसे आप आगे बढ़ना है। मैंने 12 बुक लिखा हूँ जो ओनली माइंड के ऊपर 12 बुक लिखा हूँ जिसके अंदर माइंड के पावर को लेके माइंड को किस तरह का आप यूज करें उसके ऊपर 12 बुक लिखा हूँ, और मैंने और एक सक्सेस सीरीज लिख रहा हूँ जिसके अंदर ओनली सक्सेस के ऊपर होगा, तो टोटल 24 बुक का मैं ऑथर हूँ और आज 5 लैंग्वेज में 12 बुक और लिखा हूँ और 12 बुक लिख रहा हूँ जो काम स्टार्ट है। बहुत अच्छे मेरे ख्याल से आज करीबन 150 लोग के आसपास यहाँ पे आए हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए एंड आई एम सो हैप्पी कि लोग कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आए, उनके लिए रियली आई एम अप्रिशिएट कि सभी लोग टाइम पे भी आए हैं सभी लोग। ये हमने एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट पे करके लोगों को इनवाइट किया था कि लोगों को नॉलेज मिले, लोग आगे बढ़े, लोग सक्सेसफुल हो, इसी के लिए हमने एक छोटा सा अमाउंट देके ये इस होटल में बुलाया था, सभी को इन्वाइट किया था। देखो मोटिवेशन प्रोग्राम एक अलग होता है और इंस्टॉलेशन प्रोग्राम अलग होता है। मोटिवेशन में आप थोड़े समय तक किसी का रहता है, मगर जब इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम होता है वो एक अलग प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आप इंस्टॉलेशन होता है, जब कुछ एक्टिविटी होता है उसमें माइंड में हमारा एक्टिव होता है। हमारा कई सारे लोग हैं जो ट्रेनर है या तो जो हमारा प्रोग्राम में आते हैं उनका लाइफ में जो बिज़नेस है उसका बिज़नेस में नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं या तो बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए कुछ करते हैं, और वो आज बहुत रिजल्ट हमारा जितनी भी प्रोग्राम होता है सभी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है और इसीलिए लोग इतनी तादाद पे पूरी हाउसफुल प्रोग्राम आज हमने यहाँ पे पुणे में ऑर्गेनाइज किया है। इसमें आज तो लाखों लोग आज जो है तो इस प्रोग्राम में मेरा कर चुके हैं, 6 साल 9 महीने का जर्नी में लाखों लोग यहाँ पर आ चुके हैं और लाखों लोगों को बेनिफिट मिल चुका है यहाँ पे। फ्यूचर प्लान में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में एक माइंड पावर यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर 1 साल का कोर्स होगा ओनली माइंड के ऊपर और उसके बाद लाइफ में उनका टोटली चेंजेस हो, टोटली एक अलग लेवल का लाइफ हो, उसी चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। लोगों को मैसेज ऐसा है कि आपका माइंड के पावर, आपका सबकॉन्शियस माइंड के पावर को अगर आप समझ लेते हैं तो लाइफ में आप नेक्स्ट लेवल पे आप काम कर सकते हैं, तो मैं यही मैसेज दूंगा सभी लोग लर्निंग एटीट्यूड रखें और कुछ ना कुछ नया सीखते रहे, चाहे बुक से, चाहे वीडियो से, चाहे कुछ सेमिनार वेबिनार से, मेरा यही मैसेज रहेगा सभी से। यस, बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड है सभी लोग, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है बिकॉज जब अपने आप को अपडेट करते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। यस यस, थैंक यू।